वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा नेता राम कदम ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में साफ कह दिया है कि गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष के उत्सव को बीजेपी धूमधाम से मनाएगी। हिंदू नववर्ष पर किसी पाबंदी को भाजपा नहीं मानेगी। सरकार हमें नसीहत ना दे, ऐसे कड़क शब्दों में पत्र लिखा है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भाजपा के तेज तर्रार विधायक राम कदम ने। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, आपकी सरकार ने फिर से एक बार हिंदू त्योहार गुड़ी पड़वा नववर्ष तथा रामनवमी पर पाबंदी लगाने का मानस का ऐलान किया है। क्या ये सच्चाई है? आपसे अनुरोध है कि आपकी सरकार आने वाले किसी भी हिंदू त्योहारों पर पाबंदी ना लगाए। हम गुड़ी पड़वा नववर्ष रामनवमी तथा अन्य सभी हिंदू त्योहारों को ढोल ताशे के साथ जल्लोष में खुशी से मनाएंगे। किसी पाबंदी को नहीं मानेंगे। हम किसी भी हिंदू त्योहारों पर पाबंदी को स्वीकार नहीं करते। हम हमारी जान की रक्षा कैसे करें, हमें भली भांति ये बात पता है। सरकार हमें इन बातों पर नसीहत ना दे। आइए क्या कहा है राम कदम ने, वो सुनते हैं। हिंदू त्योहार जब भी आते हैं महाराष्ट्र की सरकार पाबंदियां उस पर लादती है, ये मत करो वो मत करो, ये करोगे पुलिस केस होगी, जेल में डालेंगे, जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार चला रहे हो या लोगों को ब्रिटिश काल का स्मरण दिला रहे हो? हिंदू त्योहारों से, हिंदू भाइयों से ठाकरे जी की अगुवाई में चलने वाली सरकार को क्या आपत्ति है? हम ठाकरे सरकार की किसी भी पाबंदी को जो हमारे हिंदू त्योहार को मनाने को रोकती है हम नहीं मानेंगे। मिट्टी के चूल्हे पर उस पाबंदी को जलाकर खाक कर डालेंगे। हिंदू भाई अपना त्योहार हर्ष के साथ, उल्लास के साथ मनाएगा। खुद एयर कंडीशन बंगले में बैठकर हमें नसीहत दोगे, ये मत करो वो मत करो? हमें भली भांति पता है खुद की जान की रक्षा कैसे करनी है। हम हिंदू त्योहार नहीं मनाए तो क्या घर में बैठकर के गिल्ली डंडा खेलें? क्या करें? महाराष्ट्र सरकार की किसी भी पाबंदी को हम नहीं मानते, ना ही मानने का कोई सवाल उठता है। हिंदू भाई अपने सारे त्योहार हर्ष के साथ, ढोल ताशे के साथ मनाएगा। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।